हाय गाइस नमस्ते। मैं अलग अलग टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, कुछ टेक्नीशियन लोगों के लिए, कुछ इंडिविजुअल लोगों के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग इस पे चीज़ों पे मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो आज एक छोटा सा वीडियो है जो मैं जनरल लोगों से लेके एज पर टेक्नीशियन लोगों तक एक वीडियो लेके आया हूँ। वो है कि एक्चुअली कई बार LED, LCD, प्लाज्मा या बॉक्स TV या होम थिएटर, इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे कंपोनेंट है ऑलमोस्ट, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे कुछ इशू होते हैं। जैसे कि कुछ टाइम चलने के बाद टीवी बंद हो जाती है, या फिर चालू होने में लेट होता है, या फिर टीवी कुछ टाइम 1-2 सेकंड चलेगी बंद हो जाएगी, या फिर कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टीवी चलती है उसके बाद डेड हो जाती है। तो कई बार एक्चुअली क्या है ना कि हम जनरल टेक्नीशियन या फिर लोगों का कहना होता है कि यार नहीं, उसका कुछ IC गया होगा, कुछ MOSFET गया होगा, कुछ कंपोनेंट खराब होगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कंफ्यूज रहते क्या होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि 20% 20% चीजों में, पावर सप्लाई में, आप अगर ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इसमें से छोटे 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 हजारों ऐसे ट्रैक्स होते हैं, और इंडिविजुअल हम लोग उसको अगर देख देख सकते हैं तो ये जितने सारे ट्रैक्स हैं और जितने सारे हेवी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हुए या फिर उसके ट्रांसफार्मर हुए, कुछ टाइम चलने के बाद वहां पे ड्राई बोलते हैं हम लोग उसको टेक्निकल भाषा में, और ड्राई होने की वजह से ये छोटे छोटे 20-25 अलग अलग वेरिएबल प्रॉब्लम है जो कि टीवी में रिलीज होते हैं। तो मेरे हिसाब से 25% प्रॉब्लम इस सारी रिलेटेड से या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ड्राई मारने से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राई कौन सा होता है, कहाँ पे होता है, और किस तरह से हम ड्राई मारने के बाद उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ड्राई मारने के चक्कर में कुछ कुछ सर्किट में कंडेंसर होते हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज होते हैं, और ड्राई मारते टाइम अगर प्लस माइनस कहीं शॉर्टिंग हो जाती है तो चालू बोर्ड भी हम लोग खराब कर देते हैं। सिर्फ ड्राई मारते टाइम एक प्रिकॉशन लीजिए कि ड्राई मारते टाइम दो पॉइंट को एक साथ हम टच ना करें शोल्डर, और सबसे बड़ी बात, जब भी हम लोग ड्राई मारने की कोशिश करें तो जितने सारे हाई वोल्टेज वाले कंडेंसर होते हैं उनको हम डिस्चार्ज करें ताकि आपका नुकसान ना हो जाए और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए।